मंजीत उनको बंद करे ऑफिस। अरे इतने खुश हो गया। इट्स हैपेंड राइट नाउ, सो लिसन। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो देन स्टार्ट करते हैं अपन इसको शुरुआत से। ठीक है, सत्ता के समकालीन केंद्र ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी सेंट्रल पावर के बारे में बताना है। समकालीन केंद्र क्या है, समकालीन राजनीति ये पॉलिटिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, आपको एक माइंड में डेट्स को मेंशन रखना है, विदाउट डेट कन्फ्यूजन रहती है कि हम कहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो जब भी आप पढ़ो तो डेट को अपने साथ लेकर चलो, हमें पता होना चाहिए किस टाइम पीरियड की बात चल रही है, अप्रॉक्सीमेटली तो पता होना चाहिए। तो 1991 के बाद जो बाइपोलारिटी वो एंड हुई, उसके बाद जो तीसरी दुनिया यानी एक अलग ही दुनिया बची वो अमेरिका की थी। ठीक है, तो एक दुनिया बचती है यानी ये पूरा विश्व एक ध्रुवीय हो गया, ना कि दो ध्रुवीय। न्यू स्टूडेंट हो आप, ठीक, यानी कि पहले दुनिया में जो पहले दो चैप्टर हमने पढ़े हैं उसमें ये बताया गया है कि दुनिया में दो देश थे, दो बड़ी महाशक्ति थी, एक सोवियत संघ जो आज का रूस है और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दो भागों में दुनिया बटी हुई थी, यानी ये दोनों पावरफुल देश थे, महाशक्तिशाली देश। अब इनमें लड़ाई चली 1945 से 1991 तक, और उस लड़ाई में आखिरकार सोवियत संघ की हार होती है और वो टूट जाता है, अलग अलग देशों में बट जाता है, तो दुनिया में एक महाशक्ति बचती है, उसका नाम है अमेरिका। ठीक है, जब एक महाशक्ति बची तो अब पूरी दुनिया में नियम कानून चलाने के लिए सब आज़ाद हैं, एक महाशक्ति है। इसलिए भारत और सोवियत संघ चाहते हैं कि ये दुनिया एक ध्रुवीय नहीं हो, बहुध्रुवीय हो, यानी मल्टीपोलारिटी, यानी हर देश के पास पावर होनी चाहिए, सिर्फ एक देश के पास पावर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमेरिका जो बोले बस वो ही करो, मतलब हम भी हमारे डिसीजन ले पाएँ, ये इनकी इच्छा है। तो यहाँ आपकी समझ में आएगा, पहले सिर्फ दो ही देश हैं, सोवियत संघ और अमेरिका। इसमें आप पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे ऐसे ग्रुप बने हैं छोटे छोटे देशों के जो अमेरिका से कम नहीं हैं, जो किसी से डरते नहीं हैं, और कुछ ऐसे देश भी समझेंगे कि जो सच में अमेरिका को या और किसी देश को टक्कर दे सकते हैं। तो ये कैसे ग्रो हुए उनके बारे में अपन को समझना है। ठीक है, सत्ता के समकालीन केंद्र ये दोनों पिक्चर दिए हैं, चाइना की, चीन की। ठीक है, एक जगह लोगों के बारे में बताया गया उनकी कंडीशंस के बारे में, दूसरी जगह उन्होंने बताया कि सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि उन्होंने कहा कि समाजवादी जो प्रजातंत्र है ना वो ही जरूरी है किसी देश के विकास के लिए, सोशलिज्म। अब यहाँ पर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी समझ रहे हो, सोवियत संघ में भी थी। कम्युनिस्ट पार्टी का सिंपल सा मतलब होता है जहाँ पर ओनली मोनोपोलारिटी हो गवर्नमेंट की, एक पार्टी हो, एक पार्टी का ही दबदबा रहे, उसी को बोलेंगे कम्युनिस्ट या साम्यवादी। ठीक है, तो दुनिया के देशों ने क्या सोचा है कि हमें हर किसी से आज़ाद रहना है और हमें हमारे हिसाब से जीना है। ऐसा कोई क्यों सोचेगा, आप सोचो। ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि 1945 में 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद शीत युद्ध चला, तो आपस में लड़ते रहे, यूरोप के देश पूरे लड़े, इधर कुछ मिडिल ईस्ट के लड़े सेंट्रल एशिया से, तो इससे ये हुआ कि भाई हमारा ही तो नुकसान हो रहा है। इसलिए यूरोप के कुछ देशों ने मिल करके कहा कि नहीं, आज से हम हमारा संगठन बनाएंगे। नाटो तो 1948 में बन गया था, जो कि अमेरिका ने भी बनाया था, लेकिन अब जो संगठन बनता है उसका नाम है यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ। ठीक है, ये बना है यूरोप में। दूसरी तरफ एशिया महाद्वीप के देश हैं, जिसमें लगभग साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जो कि गरीब हैं, ये लोग बोले कि हमें भी हमारा विकास करना है, भारत के आसपास के देश, तो इन्होंने बनाया आसियान।
आसियान वे एक समूह है, संगठन है, उसका एक नाम है, ठीक है। दो संगठन बने हैं, इनको बनाने के पर्पस क्या रहे और इससे उनको कितना प्रॉफिट हुआ, इस चैप्टर में हम ये समझेंगे। इतना तो हम जानते हैं कोई संगठन बनना है तो उससे कुछ फ़ायदे भी होंगे। सपोज दैट जैसे अपन अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग कॉलोनी से आ रहे हैं, अगर हमारा एक ग्रुप बन जाए कि तुम हमें सपोर्ट करोगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, अपन आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने का प्रॉमिस कर लें, तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे संबंध अच्छे बनेंगे, दूसरा ये कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तीसरा ये है कि एक दूसरे की सुरक्षा बनी रहेगी। जैसे अगर हमसे किसी की लड़ाई होती है तो आप हमारी हेल्प करोगे क्योंकि आप मेरे साथ संगठन में हो, ठीक है। और चौथी बात क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वगैरह भी एक दूसरे से हम करते रहेंगे। ये कुछ फ़ायदे हैं इसलिए ये संगठन बनाए गए। और एक फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है कि हम किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं आएंगे। अब 12-15 देश एक साथ हों, कोई सा भी आ जाए देश, उन्हें क्यों क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो सुनो जरा, देखो चाइना को कितना डेवलप हो गया, अपने साथ में आज़ाद हुआ था वो, कहाँ हम भी कम नहीं है, ठीक है चलता है। बाकी यूरोपीय संघ के बारे में, अब मैं यूरोप के संघ के बारे में जो बता रहा हूँ उसको समझना प्लीज़ ध्यान से, पूरी बात को समझना। दोनों तरफ चीज़ें लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना है कि यूरोपीय संघ क्यों बना। कोई अचानक नहीं बनता है, कोई ना कोई चीज़ धीरे 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 टाइम के साथ बदलाव आते हैं। अभी तक मैंने कुछ बातें बोली, अगर आपको कोई पूछना है कुछ बातें तो पूछ लीजिए, कोई सा भी क्वेश्चंस जो माइंड में हो सो प्लीज़ सी कैन आस्क मी, पूछ सकते हो। बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज़ पूछ लो पूछ लो। चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ डेट लिखूँगा, 1947 और 8, ठीक है। इस बीच में फिर उसके बाद 1949, इस बीच में फिर 1957, इस बीच में और फिर 1992। विदाउट डेट वी विल नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल, ओके। चार डेट मैंने आपके सामने दिए हैं, अलग अलग डेट हैं सर, ठीक है। एक डेट मैंने छोड़ दी है और जो डेट मैंने छोड़ी है वो है 1948 एक बार फिर से और 1945 दो डेट। बात को समझना, 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, 1948 नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बन गया, नाटो, नेटो बोल सकते हैं आप उसको, वो बन गया। उसके बाद में यूरोपीय संघ कैसे बना, यूरोप के कुछ देशों ने कहा कि भैया हमें तो आज़ाद रहना है और अच्छे से रहना है तो हम आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करें, क्यों लड़ें भाई। तो बोले बात तो सही बोल रहा है, क्यों लड़ें। तो इन्होंने एक चीज़ बनाई, आपको परेशान नहीं होना कि हो क्या रहा है, कुछ नहीं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोल दूँ कि अपनी कोचिंग का एक ग्रुप बनाओ, सपोज दैट, तो आप किस तरीके से बनाओगे। जैसे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो तो शायद ऐसे बोलेंगे कुछ कि आर्ट्स क्लास 12th ग्रुप या कुछ उस तरीके से, लगभग ऐसे नाम रखेंगे। तो ऐसे इन्होंने नाम रखे हैं, जिस सब्जेक्ट का ग्रुप बनाएंगे उसका नाम। अब इनका सब्जेक्ट क्या बोल, देखो यूरोप या यूरोपीय आर्थिक संगठन, ओके। इट मींस यूरोपीय इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूरोपीय आर्थिक संगठन बन गया। फिर 1949 में यूरोपीय आर्थिक प्लस सामुदायिक संगठन बन गया, ठीक है। और 1957 की बात सुनो, यहाँ पर बनता है मेन चीज़, इसको आप ध्यान रखना है, यूरोपीय
आर्थिक कम्युनिटी या समुदाय, या ओनली आर्थिक समुदाय ही बनता है। यहाँ पर ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय को आप हटा सकते हो, भले आर्थिक संगठन यहाँ पर बनता है। यहाँ आर्थिक संगठन बनना है, यहाँ आर्थिक संगठन ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ इसमें आप सांस्कृतिक भी जोड़ सकते हो। ये डेट दी है इसमें, परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। यहाँ पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाए, ठीक है, जिसको अपन पूरे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूरोपीय संघ कब बनता है, 1992 में। आपको पता है 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ टूट जाता है। जब सोवियत संघ टूट गया तो दुनिया में एक देश बचा, इसलिए इन्होंने सोचा भाई अभी सही समय है, अपना ग्रुप बना लो। पहले तो सब मिलजुल के रह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। समझे, आप भी ऐसे डेट मेंशन करेंगे और नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, बाद में कर लेना, अभी तो समझ लो आप, ठीक है। आप देखो जो मैंने चीज बताई उसको समझिए, हाँ। इसमें एक स्कीम आई थी 1948 में, मार्शल योजना। मार्शल प्लान क्या है उसको समझ लो, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय देशों की हेल्प की, इकॉनमी पैसे से मदद की। तो जो मदद की थी ना, इस चीज़ को डिजाइन करने वाला एक व्यक्ति था मार्शल, उन्हीं का नाम था, इसलिए इस प्लान का नाम रख दिया मार्शल प्लान, ठीक है। जैसे हमारे भारत में आई थी बॉबेल योजना या माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया 1947, ठीक है। तो देखो 1948 में क्या बोलता है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ठीक है, सहयोग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, इन नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उन्नीस सौ 1957 में क्या बनता है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है, जो कम्युनिटी मतलब समुदाय होता है, जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, ठीक है। 1949 में परिषद यानी काउंसिल, ठीक है, ध्यान रखूंगे आप लोग। पहले मैं हेल्प सहायता संगठन, फिर काउंसिल और फिर कम्युनिटी, तीन चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। इसकी छोटी सी डेडलाइन में मेंशन कर देता हूँ, जैसे आप लोग भूले ना। अब मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ जाना। देखो यहाँ पर सिर्फ सहायता संगठन, फिर उसके बाद में यहाँ पर होता है यूरोपीय काउंसिल, काउंसिल आप इसको परिषद बोल सकते हो हिंदी में, ठीक है। और यहाँ पर है आर्थिक कम्युनिटी, समुदाय बोल सकते हो, कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय आर्थिक कम्युनिटी, ठीक है। और यहाँ पर यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ, ठीक है। आप इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे सहायता संगठन कब बनता है, 1947 या 18 के आसपास, ये 1949 में, ये 1957 में, और ये 1992 में, ठीक है। इससे पहले बस एक ही घटना हुई है, वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वैसे बीच में नहीं आई, लिख देता हूँ, वो थी मार्शल क्या बोलेंगे, प्लान या योजना, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। मार्शल प्लान आया था 1948 में, 1948 में, ठीक है, आप याद रखेंगे इस बात को। और ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि यही 1948 में क्या बना था, नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों घटना हुई थी, ठीक है। ये दोनों की दोनों चीज़ें अमेरिका के द्वारा लीड की गई, बाकी सब यूरोपीय देशों ने। अब आप बोलो सर इसमें सदस्य देश कौन से हैं, तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, इटली,
तमाम देशों, ऑस्ट्रिया वगैरह ये सब देशों ने मिलकर के संगठन बनाया। यूरोपीय संघ आज आर्थिक मामले में दुनिया के सबसे बड़ा संगठन है, किसके बाद? अमेरिका के बाद। अमेरिका की जो इकोनॉमी है 23 ट्रिलियन है, ट्रिलियन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में, 24 या 5 के आसपास मान लो, इतनी ट्रिलियन है US डॉलर। हमारी ओनली 5 ट्रिलियन है, यानी अमेरिका में से 5 टाइम्स ज़्यादा पैसे वाला है, इकोनॉमी के बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को आप पूरा लिख लो, प्लीज़ नोट डाउन इट। ये समझ पा रही है कि एक्चुअल में देखो, काउंसिल का मतलब ये है कि अपन को बैठ के सिर्फ बातें करना है, मीटिंग करना है कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और सहायता जो आप समझ रहे हो कि एक दूसरे की मदद करना हो लोगों को, इसलिए उन्होंने पहले से ही विचार किया, तभी तो ये लोग साथ में आए हैं, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन इट। वो आपको समझाने के लिए लिखी थी कि दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हो गया कब, 1945 में, ठीक है। कौन सा वाला मत करना, ये वो ये है, इसमें मैंने शॉर्ट में लिख लिया। परिषद मतलब काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है कि जैसे अपन एक जगह बैठ करके जो बात करते हैं ना, मीटिंग करते हैं, उसी को अपन जो बैठने की जो सभा, उसी को परिषद बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से लोगों, प्लीज़ जब तक किसी का कोई डाउट पूछो, आपका कोई क्वेश्चन, इधर के कुछ देशों से इधर उधर से ये पर्सपेक्टिव बताऊँ, ऐसे चल क्यों रहा है एक्चुअली। इस प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये काउंसिल्स वगैरह बन रहे हैं, व्हाट इज़ द रीजन दैट द काउंसिल वॉज मैच, दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन। सो वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट कि 1950 का दौर था, डिकेड्स का, उस टाइम पर वर्ल्ड की सुपर पावर लाइक अमेरिका एंड USSR, दे वांट टू देयर सुप्रीमेसी, ओके, एंड डोमिनेंस, सो देयरफॉर दे ट्राई टू कंट्रोल एंड कैप्चरिंग द स्मॉल स्टेट्स एंड न्यू इंडिपेंडेंट नेशंस लाइक इंडिया, श्रीलंका एंड अफ्रीका लाइक नाइजीरिया, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, चाड, नाइजर एट ऑल, बिकॉज दीज आर द अप्रॉक्सीमेटली 25 न्यू कंट्रीज वॉज इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द 1950 डिकेड, सो दे आर पुअर एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, देयरफॉर अमेरिका एंड USSR दे वॉन्ट टू कैप्चर द इकॉनमी एंड दे वॉन्ट टू कंट्रोल ओवर दीज कंट्रीज, बिकॉज इफ दे टोक हेल्प ऑफ दीज नेशंस, सो दे हैव टू फॉलो ऑल द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ सोवियत संघ, अदरवाइज USA, सो देयरफॉर वाई डू वी हैव टू थिंक वाई अमेरिका इज वॉज कमिंग देयर एंड ही सेड दैट आई विल हेल्प यू डोंट वरी एंड देयरफॉर ही पब्लिश्ड मार्शल प्लान एंड ही मेड अप ऑर्गेनाइजेशन लाइक नाटो बाय, दिस इज द कॉज बिकॉज दीज वॉन्ट्स टू लाइक दैट टू कंट्रोल ओवर दीज नेशंस, राइट। अब इफ यूरोपी इफ USA हेल्प ऑफ यूरोपियन नेशंस स्टेट्स, सो दिस इज द कंपल्सरी थिंग दैट दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अमेरिका एंड दे हैव टू हेल्प ऑफ अमेरिका एंड देयर फोर इन द कोल्ड वॉर टाइम पीरियड ऑल द नेशंस ऑफ यूरोप दे वर स्टैंड विद USA विद अमेरिका, दैट वॉज द रीजन दैट इज स्मार्टनेस। नोट डाउन कर लिया आपने? ओके, what was the major reason about the Soviet Sun and the America that what was their mindset for capturing the other countries for the monarchy or democracy? Okay, first of all we have to understand why do they want to capture at all. Simple reason, because there are two dominant country and we have to understand that after 1950 decade, it will be 20th century, all the people were aware about of monarchy and democracy, they know about of that how much suffering was faced by monarchy system, so therefore they do not want to accept monarchy, they want to democracy, therefore all the country supported democracy, and secondly they want to capture because they have to got resources and they want to dominancy of each other,
इफ यू वांट टू मेक मैनी फ्रेंड्स इट मीन्स यू बिकम मोर पावरफुल दैट इज द सिंपल रीजन। बच्चों आगे बढ़े अपन। नहीं बेटा ऐसा है जो यूरोप में कुछ देश है ना साथ का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन आस पास में 1950 ऐसे 1945 55 के बीच में तो इनको यूरोप में ब्रिटेन समझ रहे हो भाई दबदबा था हमें भी श्रीलंका को भी चाइना को भी सबको ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना अमेरिका को ये भी उन्हीं का गुलाम था 1776 में वो आज़ाद हुआ है ब्रिटेन से। ब्रिटेन समझ रहे हो ना मैंने अभी एक दिन बताया था ना इंग्लैंड स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड वेल्स और इंग्लैंड और ईस्टर्न आयरलैंड इन सबको मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड छोटा सा बच्चा है छोटा सा देश है समझ रहे हो जितनी इंग्लैंड की पॉपुलेशन है ना इतने तो हमारे यहाँ समझ रहे हो बेरोजगार हैं भारत में तो हमको ये समझना है बच्चों आपका क्वेश्चन सही है। तो इनको गुलाम ब्रिटेन ने बनाया एक बात। दूसरी बात अब आप मान लो कोई देश अभी तो गुलाम है अभी आज़ाद हुआ है और फिर से उससे बोले नहीं हम जैसे कहेंगे तू वैसे चलेगा क्यों चाहेगा वो चलना वो भी तो चाह रहा है भैया अभी तो हम बच्चे हैं फिर से दोबारा से गुलाम बना लो हमें इसलिए हम भी तो आज़ाद हुए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू समझदार थे और फिर हमारे देश की जो पॉलिसी थी या फिर हमारा देश था वैसे भी दुनिया को आज लीड करने वाले देशों में तो उस टाइम पर इतने कमज़ोर नहीं थे हम लोग काफ़ी बड़ा देश था भारत इसलिए हमने कहा कि नहीं हम घुटने पे पिच बनाएंगे अलग आंदोलन करेंगे अलग संगठन बनाएंगे और उसमें हमें किसी बड़े देश को नहीं चाहिए हम उन देशों को शामिल करना चाह रहे हैं जो गरीब हैं जो पिछड़े हैं जो विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं और जो अपना विकास करना चाह रहे हैं इसलिए 5 देशों ने मिलकर ये संगठन बनाया और जोसेफ ब्रंच टीटो थे उन्होंने बोला भी था कि भाई जो भी नए देश हैं वो हमारे साथ आओ अपन मिल करके अपना खुद का विकास करेंगे हमें दूसरे से मतलब नहीं है ना लड़ाई लड़नी तो उनका पर्पस था। ठीक है अभी मैंने बताया यूरोपीय संगठन के बारे में और ये यूरोपीय संगठन है और एक बात और अब आप बोले सर ये ओल्ड और न्यू क्या है पुराने सदस्य ये रहे कुछ बाद में कुछ लोगों को सपना आ जाए कि भैया गड़बड़े कहीं ना कहीं अपन भी जाके मिल जाएं तो बोले सॉरी सॉरी उस टाइम पे हम नहीं मिल पाए प्लीज़ हमें भी जोड़ लो। ठीक है जैसे कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं जैसे किसी ने कहा देखो भैया ये स्कीम है आप हमारे साथ आना चाह रहे हो बोले नहीं बिल्कुल भी नहीं लेकिन सबको प्रॉफिट हुआ ना बोले वो सच में अच्छी पॉलिसी है बोले हम मेरा भी नाम लिख दो लाइक दैट ऐसे ही इन्होंने संगठन बनाया। देखो स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क जर्मनी जर्मनी समझ रहे हो एरा द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ आपको पता है ए जर्मनी रहा और इधर क्या था USSR। पहले विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने जर्मनी को पीटा हराया और उस टाइम पर एक सैनिक था हिटलर जो ये सब देख रहा था उसके मन में था कि बदलाए और लेके रहेंगे और ठान लिया तो ठान लिया। तो दूसरे विश्व युद्ध में ए भाई इसको कॉल करता है कि देखो सर हम किसको पीटेंगे पोलैंड को। ठीक है और हम इसको पीट करके इसको जीत के हम आपको गिफ्ट देंगे लो सर संभालिए। तो बोला बहुत बढ़िया थैंक यू। पर सोवियत संघ बोला पर ऐसा आप क्यों कर रहे हो भैया आप किसी देश को पीट रहे हो पीटने के बाद हमें दे रहे हो गिफ्ट आप ही रख लो। बोले हमारे पास पैसा की कमी है अनाज की कमी है ग्रेन की तो आप एक काम करो फूड ग्रेन खाद्यान्न पदार्थ भोजन वगैरह हमारे लिए भेज दो। सोवियत संघ खुश हो गया वाह बिना लड़े हमें देश मिल रहा है। इधर इन्होंने खाना या अनाज वगैरह भेजना शुरू किया इधर इसके सैनिक आ गए सोवियत संघ के और ये तो समझ गए ये पीट तो दिया पोलैंड पर कब्जा तो कर लिया इसने। इधर इसके सैनिक आए फिर जर्मनी के सैनिकों ने इनको धो दिया बहुत बुरे तरीके से मारा और भागते भागते इधर को पहुँच गए इधर जाके पूरा उत्तरी ध्रुव है जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। तो इससे क्या हुआ जो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वो तो रह सकता है ना जैसे हमारे आर्मी के सोल्जर्स हैं वो -degree टेम्परेचर में भी रह जाते -20-25 में अपन जाएंगे चिपक जाएंगे बर्फ में वहीं चिपक जाएंगे आइस बन जाएगी तो उनको तो आदत है। तो यहाँ के जो सोल्जर थे ना सोवियत संघ के उनको तो पता था कि भैया हम रह लेंगे तो ये उधर की तरफ भागे हिटलर के सैनिक भी उनके पीछे भागे तो हिटलर की आधी सेना समाप्त हो गई सब गल गए उधर बर्फ़ बन गई एक तरफ लड़ रहा है और दूसरी तरफ कहाँ है एरा
यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। और मैंने बताया था कि मैच्योर पीपल कैन नॉट फाइट ऑन डबल फ्रंट, समझदार व्यक्ति एक साथ दो फ्रंट पर नहीं लड़ता है। इसने गलती कर दी, दोनों तरफ दुश्मन, इधर 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 लड़ रहा है और इधर भी लड़ रहा है, बर्बादी का कारण बन गया, इसलिए हिटलर का एंड हुआ। तो इसमें बस आपको ये समझना कि ये कुछ देश हैं वो इसके साथ बाद में जुड़ गए, समझ गए, ठीक है। तो आप बताओ, अगर आपके लिए क्वेश्चन आया एग्जाम में कि जर्मनी किसके साथ था, अमेरिका के या सोवियत संघ के, शीत युद्ध के दौरान भी, आप सोचो जर्मनी की लड़ाई सोवियत संघ से हो रही, क्या उसके साथ जाएगा कभी? कभी नहीं जाएगा, तो अमेरिका का सपोर्ट करेगा, इसलिए पूरे के पूरे लोगों का यूरोपीय संघ है, और यूरोपीय संघ का ही सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका, समझे, ठीक है। रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, अब आप ये बोलेंगे ये कहाँ से आ गए? आप क्वेश्चन तो बोल सकते हो ना कि सर यूरोपीय संगठन तो बन गया पर ये येलो कलर वाले ये देश कहाँ से आ गए, नए नए कहाँ से आ गए भैया, वही पहले से क्यों नहीं जुड़े? सर ये बात है 1991 की, 1991 की, जब सोवियत संघ टूट गया था ना, उसी के देश हैं, एस्टोनिया, लाथविया, लिथुआनिया एंड स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, कुछ अलग एक दो पहले से थे, समझे। तो इनको आपको समझना है, ये यूरोपीय संगठन के देश है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको समझ लो आप लोग, यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव, ठीक है। एकता मतलब समझ रहे हो, एक साथ मिलजुल कर रहने की, यूनिटी, एकता इसका मतलब। देखो बच्चों 1951 की बात है, 1951 में 6 देश आते हैं, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन्होंने फ्रांस की कैपिटल पेरिस में संधि पर दस्तखत किए, साइन किए यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन, किसका? कोयला और इस्पात, यानी एक दूसरे को कुछ चीज़ें देना है, संसाधन, रिसोर्स वगैरह, ठीक है, अपने यूज के लिए। 1957 मार्च में क्या होता है, इन्हीं छह देशों ने, छह देश कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और कोई से बचा गया नहीं, बचा बस इतनी है, ठीक है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, दोनों एक साथ ध्यान रखना। इन्होंने क्या बनाया, छह देशों ने, इटली की राजधानी रोम में मीटिंग की, पहले कहाँ की? पेरिस में मीटिंग, फिर रोम, इटली की कैपिटल राजधानी, वहाँ पर संधि के माध्यम से कौन सा आर्थिक समुदाय बनाया, 1957 में, अभी लिखा है ना आप लोगों ने, बस यही वाली बात है। 1973 में क्या होता है, डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्य ली। देखो डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ये बाद में आए थे बच्चों, ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। जून 1979 को समझो, ये इम्पोर्टेंट बात है, यूरोपीय संसद के लिए पहला डायरेक्ट चुनाव हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ यूरोपीय संसद के लिए। यूरोपीय संगठन के देश इतने आराम से और शांति से रह रहे थे, इन्होंने कहा एक रूल बुक निकाल ले, एक ऐसी किताब बनाए, यानी एक ऐसा संविधान बनाए जिसके सबके नियम कानून एक जैसे रहें। जितने हम सदस्य हैं, 27 देश हैं लगभग, आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब 10-12 के आसपास थे उस टाइम पर। इन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा समुदाय बनाना है जिसमें हम सब मिलजुल के रहे, तो बोले सब एक संविधान बनाएंगे, उसी के अनुसार चलेंगे। पहली बार चुनाव हुआ, लेकिन वो बात अलग है कि नहीं बना पाए कभी, आपस में लड़ाई होगी। तो प्रत्यक्ष चुनाव 1981 में ग्रीस ने भी यूरोपीय की सदस्यता ले ली, ये आपको सिर्फ सुनना है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना, याद भी नहीं रखना। 1985 की बात को समझो, सांगेन की संधि होती है, सांगेन एक जगह है, इसकी संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया। मतलब कहने का मतलब ये है, जो बॉर्डर वगैरह किसी देश का अगर है ना, तो इस बॉर्डर से इस बॉर्डर में अगर आपको जाना है ना, तो आपको वीजा वगैरह ऐसी कुछ ही लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस संगठन के सदस्य हो तो आप आराम से जा सकते हो। तो ये लोग और अच्छे से रहने लगे आपस में, समझ पा रहे हो उस बात को? यही बात है, ये दो डेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो आसान चीज़ें कोई है नहीं इसमें, खास पूरी डेट आपको ध्यान नहीं रखना, जो मैं बता रहा हूँ बस वही ध्यान रखना है। जर्मनी का एकीकरण समझ रहे हो, 1989 में बर्लिन की दीवार टूटती है,
तो लगभग 6 महीने बाद या 1 साल बाद वहाँ पर जर्मनी को फिर से एक देश बनाया गया, तो एकीकरण हो गया, यानी एक देश बन गया। कब? 1990 में। देखो 1992 में क्या बना? यूरोपीय संगठन, जो मैंने अभी आपको बताया है। कब बना? 1992 में। जब ये बना ना, तो इस संधि का नाम क्या था? मास्ट्रिट संधि, समझे? मास्ट्रिट संधि से यूरोपीय संगठन बन रहा है, ठीक है? और सांगेन संधि से ये बन रहा है कि वो लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है? और उसके बाद क्या आता है? 2002 में इन्होंने एक नई मुद्रा, एक नई करेंसी निकाली। क्या नाम है इसका? यूरो। यूरोप में कौन सी करेंसी चलती है? यूरो। जैसे हमारे यहाँ रुपया, इनकी यूरो। बांग्लादेश की टका, चाइना की युआन, ठीक है, और जापान की येन, और अमेरिका का यूएस डॉलर, और ब्रिटेन का पौंड, ठीक है। 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, इन सब ने मिल करके ये सब इसमें शामिल हो गए थे। बाकी डेटा आपको ध्यान नहीं रखना है। 2009 में लिस्बन की संधि हुई थी, आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू के लिए, और कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बात ये है कि यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला कब? 2012 में, ठीक है? क्योंकि भैया ये लोग लड़ाई लड़ने लड़ाने की बात नहीं कर रहे, ये शांति चाह रहे कि भैया लड़ना नहीं है, अच्छे से रहना है, इसलिए संगठन बनाए। 2016 की बात है, ब्रिटेन में जनमत संग्रह हुआ, मेमोरम रेफरेंडम हुआ, डायरेक्ट सीधी के जनता एक साथ बैठी है, ऐसे आप लोग बैठे, आपसे बोला चलो बताओ यूरोपीय संगठन में अपन रहें कि नहीं रहें, तो लोग बोले, कुछ बोले हाँ रहेंगे, कुछ बोले नहीं रहना है। इलेक्शन हुआ, 51.9% लोगों ने क्या कहा, वोटर्स ने, कि हमें ब्रिटेन यूरोपीय संगठन से बाहर हो जाए, बोले नहीं रहना है, नहीं रहना है, तो यूरोपीय संगठन को ब्रिटेन ने छोड़ दिया, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखना है। दो हज़ार तीन में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। 1979 में संविधान बनाने, संसद बनाने के लिए बात हुई है कि पार्लियामेंट बनेगी। 2003 में लोगों ने कहा कि भैया हम एक संविधान बनाएंगे, सब लोग एकदम तैयार होके आए हैं, लेकिन वो नैया डूब गई, बोले यार नैया डूब गई, हमारी तो कश्ती डूब गई, ऐसा है ना कि नैया डूब गई। साझा संविधान बनाने की कोशिश तो करी, लेकिन कोशिश नाकामयाब रही, और इसी लक्ष्य के लिए एक कार्टून बना दिया गया, और कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में बताया कि भैया टाइटैनिक जहाज जैसे समुद्र में डूबा, वैसे ये इसकी नैया भी डूब गई। देखो ये इधर ये कार्टून, ये मस्त बात बोलता है। कल्पना कीजिए क्या होता अगर पूरे यूरोपीय संघ की एक फुटबॉल टीम हो जाती, अजीब अजीब बात बोलता है ये, बोला सब यूरोपीय संगठन के लोग मिलकर एक फुटबॉल टीम बना दो, क्या होता, मजे आ जाते। वो ये बोला कि अगर फुटबॉल टीम बन गई तो शायद आपस में अच्छे मिलजुल कर रहने लगे, और इतने देश मिलकर बनाएंगे तो एक से एक प्लेयर होंगे, हर देश का ही एक कोई सा अच्छा मिल जाएगा। अब अपन आ रहे हैं अपने पड़ोसी देशों के पास में, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, बच्चे स्टूडेंट्स इसको समझिए प्लीज। देखो अपन इसको बोलते हैं आसियान, आसियान ये है क्या? साउथ दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का ऑर्गेनाइजेशन, आपको बोलना है एशियन सोसाइटी ऑफ ईस्ट, मैं भी अभी इसको भूल रहा हूँ। देखो बच्चों छोड़ो, अभी आ जाएगा बता दूंगा, अभी ध्यान से नहीं आ रहा। दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालना है और आपको ये समझना है कि एशिया के दक्षिणी देश कौन कौन से हैं। दूसरे विश्व युद्ध से पहले उसके दौरान एशिया का ये हिस्सा बार बार यूरोप और जापान के उपनिवेशवाद का शिकार हुआ, यानी किसका?
यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये समझना इस चीज़ में कि आसियान बना क्यों। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन। अब आ गया ध्यान, ASEAN, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, समझ गए, संगठन है। क्योंकि मान लो एशिया इस तरीके से है, इतना बड़ा एशिया है, तो इधर जो एरिया है ना, साउथ यानी नीचे साउथ और इधर ईस्ट, तो इसी को मैं बोलूँगा साउथ ईस्ट। इधर के देश, इधर देखो भारत है ना, भारत के पास में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम वगैरह है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दिख रहा है ना, इंडिया के पास में नहीं दिख रहा आपको, चाइना के नीचे, बस यही वो देश हैं जो आसिया में बैरी करते हैं आते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेकायदा हैं, बेझिझक और मस्त रह रहे हैं। अब आप बात को समझो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यूरोपीय संगठन को बनाने के मकसद से आप बताइए क्या लाभ हुए, तो हम बोलेंगे कि जब यूरोपीय संगठन बना तो पहली बात यह है कि आपस में मिलजुल कर रहने लगे, आर्थिक सपोर्ट किया, एक दूसरे की आर्थिक मदद की, तीसरा सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन आए, सांस्कृतिक रूप पर एक देश से दूसरे देश में कोई चीज़ जा रही है, दूसरे देश से अपने देश में कोई चीज़ आ रही है, तो आपस में मेल मिलाप बढ़ा और मिलजुल कर लोग रहने लगे। एक पॉइंट और क्या हो सकता है कि यूरोपीय संगठन के जो देश हैं ना, उन्होंने अपनी एक नई मुद्रा बनाई जिसका नाम उन्होंने यूरो रखा, और इसकी वजह से वो लोग जब व्यापार कर रहे हैं तो उनके पास करेंसी सेम है, चेंज नहीं करनी है, ठीक है। एक और प्रॉफिट ये हो सकता है कि यूरोपीय संगठन के जो देश थे उन्होंने कुछ ऐसी संधियाँ की जिसमें उन्होंने कोयला वगैरह रिसोर्सेस वगैरह एक दूसरे से मांगने की बात की, तो इस बात से लगता है कि उनको किसी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। और एक और पॉइंट निकल सकता है कि जब उन्होंने अपना संगठन बनाया तो इससे उन पर किसी बाहरी शक्ति का या किसी सुपर पावर का प्रेशर नहीं रहा, कोई दबाव नहीं रहा, वो लोग आज़ाद थे और स्वतंत्र थे। अब अपन आ रहे हैं आसियान में, आसियान क्यों बनेगा, बात को समझो। ये देश लगभग ऐसे हैं जो पहले किसी के गुलाम थे और या फिर लगातार गुलाम रहे हैं, तो अब ये चाह रहे हैं आज़ादी, ठीक है। इस आसियान में भारत इसका मेंबर नहीं था, बाद में जुड़ गया था। ये बनता कब है आसियान, 1967 में, 1967 में, ठीक है, ये बनता है। कुछ देश आते हैं जो इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें कहा है कि दुनिया के नक्शे पर आप निगाह डालो तो आपको पता चलेगा कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसी के दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ और भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई। युद्ध समाप्त होने पर इसने राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, बस यही है पूरा पॉइंट। ये वो देश, वो लोग हैं जो सताए हुए हैं, बड़े परेशान हैं। पहले यूरोपीय देश यानी ब्रिटेन वगैरह के ये गुलाम रहे, फिर जापान के उपनिवेश, क्योंकि जापान उनका पड़ोसी है, पकड़ के गुलाम बना लिया, इनको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए देश बहुत परेशान हो गए। कौन कौन से, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, इतने देशों ने, और इन्होंने फिर इसलिए संगठन बनाया 1967 में कि भैया हमें आज़ाद रहना है, ठीक है। इसी आसियान में उन्होंने जो आसियान बनाया ना, इसी का नाम रखा उन्होंने आसियान वे, यानी कि आसियान संगठन का रास्ता है आसियान वे, यानी हमारे एक तरीका होगा, हम उस हिसाब से रहेंगे। अगर आपसे कोई बोले कि आसियान क्यों बना, तो हम आंसर दे सकते हैं क्या कि सर ये दक्षिण एशिया के ऐसे देश हैं जो पहले यूरोप के गुलाम रहे, फिर जापान के उपनिवेश रहे, लगभग गुलाम ही रहे, इसलिए ये देश पिछड़े हुए थे, इसलिए लोग चाह रहे थे कि हमें आज़ादी मिले। क्यों? क्योंकि देश गरीब थे, यहाँ पर बेरोजगारी है, गरीबी है, आर्थिक संकट है, आर्थिक पिछड़ापन है, इसलिए इन लोगों ने मिलकर के अपना एक संगठन बनाया कि हमारा विकास हो पाए।
ठीक है। ऐसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को भी झेलना पड़ा और टकरावों और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। बांडुक एक सम्मेलन है, बांडुक सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता का कायम करने के लिए अनौपचारिक स्तर पर प्रयास हुए। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक ये बात समझ में आती है कि इन लोगों के पास दो दबाव थे, या तो आप पहली दुनिया के साथ जाओ या दूसरी दुनिया के साथ जाओ। ये बोले नहीं जाएंगे, हम किसी के साथ नहीं जाना। तो तीसरी दुनिया गुटनिरपेक्ष थी, वो इनके साथ भी नहीं गए, लेकिन गुटनिरपेक्ष के साथ ही इनका ये संगठन बना, उसका नाम था आसियान। आसियान दो तीन बार बोलोगे आ जाएगा समय। तो आसियान और गुटनिरपेक्ष, इसमें वो देश हैं जो गरीब हैं और जो आज़ाद हुए हैं, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इन्होंने कहा अब हम मिल करके रहेंगे, ये कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश करते करते 15-20 साल हो गए, तब 1967 में जा करके इस क्षेत्र के 5 देशों ने, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, यानी एक मीटिंग होती है, और उन्होंने कहा कि भैया अब अपन क्या बनाएंगे, आसियान। इसकी स्थापना की, 5 देश कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। थाईलैंड तो होगा ही होगा क्योंकि वहीं पर तो हो रही है मीटिंग। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस, बस इतने ही देश हैं। इन पांचों ने मिलकर के ये संगठन बनाया, नाम क्या है, आसियान। क्यों बना है, आर्थिक संकट से बचने के लिए, किसी की गुलामी से बचने के लिए, किसी के दबाव से बचने के लिए, ठीक है, और अपने जो गरीबी है उसको कम करने के लिए संगठन बना, ठीक है। ये क्या है, इनका ये फ्लैग है, इसमें धान की बालियाँ हैं 10, उन्हीं को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। और धान की बालियों को सिंपल सा मतलब भैया रोटी मिल जाए हमें, यही ज़रूरी है। तो उसी के संदर्भ में देखो, आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियाँ थी, आ सकता है MCQ में आसियान और प्रतीक किसका, धान की 10 बाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए रहे इस मैप से आप समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा था। यस, पूर्वी एशिया और पैसिफिक का मानचित्र, पैसिफिक का मतलब प्रशांत महासागर के आसपास का क्षेत्र, आप ऐसे समझो, मैं छोटा सा एक मैप बना रहा हूँ इसी के साथ में। देखो ये जो मैंने बनाया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इसके ऊपर ही क्या है, अमेरिका, इधर क्या है, ईरान, फिर ये मिडिल ईस्ट, ठीक है, इस तरीके से नक्शा है दुनिया का। भारत के पास में बर्मा है, म्यांमार है, बांग्लादेश तो ये है ही, थाईलैंड वगैरह है, फिर ये समुद्र में कुछ देश हैं, आइलैंड, आइलैंड समझ रहे हो, ऐसा देश जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, द्वीपीय देश। और ये था जापान, तो जापान ने भी इन पर कंट्रोल किया, और भारत पर किसका कंट्रोल था, ब्रिटेन का यानी यूरोप का, तो इन दोनों ने इन देशों को दबाया, समझ गए, हमने नहीं यूरोप ने, हम तो खुद गुलाम थे। तो आप इधर देखिए बच्चे, एक कौन है, मंगोलिया, एक कौन है, चाइना, चाइना के ऊपर मंगोलिया, और इसके ऊपर रसिया, रूस। तो देखो, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, बेटा सुनो सुनो, ये जो देश है ना, बाद में भी कुछ देश इसमें जुड़े हैं, तो आप देख सकते हो, देखो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, 3 देश ये हो गए, और थाईलैंड यहाँ से हमने ले लिया, और फिलीपींस यहाँ से ले लिया, तो इस तरीके से ये देश जुड़ गए, ठीक है। फिर से बता दूँ, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया 3 देश, एक फिलीपींस 4 और थाईलैंड 5,
तो ऐसे करके ये पांच देश आपस में जुड़ गए। अब यानी कि अभी भी ये पड़ोसी देश है ना, और वो बाद में जुड़ जाते हैं इसी में, ठीक है। तो एक रास्ता दिखाई देने लगा कि भैया अब हम मिलकर रहेंगे, अपना विकास तेजी से करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला गया, आसियान काफ़ी यश कमाया, इसकी तारीफ की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया संगठन बनाया। तो ये लोग खुश हो गए, चलो अच्छी बात है, इसलिए इन्होंने ऐसे यानी समय तारीफ कमाई, बहुत तारीफ हुई। आसियान शैली, हिंदी में क्या बोलेंगे, आसियान देखो, आसियान शैली के एक रवैया का, हम इस तरीके से रहेंगे उसी हिसाब से चलेंगे। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। मतलब समझ रहे हो, पहले इन्होंने कहा हम बस दो चीज़ चाहते हैं, कौन कौन, एक तो सामाजिक चीज़ें और एक आर्थिक। बोले बस हमें तो दो चीज़ों का विकास करना और सब बाद में कर लेंगे। लेकिन अब ये बड़ा हो गया देश, संगठन बढ़ गए, अब इसके देश थोड़े थोड़े डेवलप हुए। आज आप इंडोनेशिया को देखो, मलेशिया को देखो, सिंगापुर को देखो, थाईलैंड को देखो, कंडीशन काफ़ी अच्छी है। इंडिया से लोग घूमने जा रहे हैं, चलो ये थाईलैंड चलो, कोई तो बात होगी ना उनमें। सिंगापुर बहुत शानदार सिटी है, बहुत शानदार देश है। तो इन्होंने अपना विकास किया। तो अब बोले वो कि सामाजिक आर्थिक विकास नहीं करना है हमें, सामाजिक भी करना है, आर्थिक भी करना है, राजनीतिक भी करना है और सांस्कृतिक भी करना है और व्यापार को और बड़ा करना है। तो आप बताओ, इतनी चीज़ अगर आपको करना है और एक बड़े से बड़े देश को आप इग्नोर कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो भारत को इसमें एंट्री करना पड़ेगा, समझ रहे हो। इसलिए आगे चल के भारत इसका सदस्य बनता है इनफॉर्मल तौर पर कुछ चीज़ों का, फिर बाद में कंप्लीट वे में भारत इसका सदस्य बना। आप बोलोगे ये देश चल कैसे रहे, ये मान के चलो सब देश आपस में एक फंड बनाते हैं, पैसा जमा करते हैं, जिसनी जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना पैसे जमा कर देता है, एक साथ रख लिया। अब मान लो किसी देश में संकट आ गया, आर्थिक संकट आ गया, समस्या आ गई, तो जो पैसा रखा है ना वो सब देशों के पैसे को अपन उसको दे देंगे, ले भैया 500 करोड़ रुपये ले ले, अपना विकास कर ले, जब सही हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, पैसे वापस कर देना, आधे कर देना, जितने हो उतना कर देना, ऐसे सब मिलजुल कर रह रहे हैं। जब एक पे संकट आ रहा है तो मदद तो कर रहा है ना, इसलिए लोग आगे बढ़ गए। और ये भी कहा लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई करेंगे खून देंगे आपस में, समझ गए। अब आप बताओ अगर अपन आपस में लड़ाई करेंगे, आपको पता है हमारे देश का लगभग 1000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा सिर्फ इस चीज़ के लिए खर्च होता है कि हमारी लड़ाई चलती रहती है पड़ोसी देशों से, इन्वेस्ट होता है अलग से, वो सोल्जर के लिए तो चाहिए वो एक अलग है, ये चीज़ फालतू की एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि हमारे पड़ोसी इनके पेट में दर्द होता ही रहता है, पता नहीं क्यों। इधर तो यही रहा, समझ ही गए होंगे मैं किसकी बोल रहा हूँ, इसकी बोल रहा हूँ, पाकिस्तान, और इधर चाइना, चाचा ये अलग परेशान करता है, ठीक है, और इधर कभी कभी बांग्लादेश, और नीचे से ये रावण महाराज, ये भी कभी कभी चिल्ला देते हैं श्रीलंका वाले, ये भी कम नहीं है, अपने मछुआरों को पकड़ लेते हैं, पकड़ के जेल में डाले, ले समझ रहे हो, हाँ हाँ, तो समझ रहे हो, अपन ऐसे इनसे परेशान हैं। मतलब जैसे घर परिवार में अपन परेशान होते हैं ना पड़ोसी वगैरह वगैरह से, वैसे ही देश परेशान है। अब पाकिस्तान उसका सदस्य नहीं है आसियान का, भारत भी नहीं है, अब ये बोले अपन फ्री बैठे हैं भैया आपस में लड़ लें, तो ये बढ़िया लड़ रहे हैं आज तक, ये चल ही रहा है सिस्टम, समझ पा रहे हो। लेकिन आसियान के देश आपस में नहीं लड़ेंगे, तो आसियान के देश लड़ेंगे नहीं तो पैसा भी खर्च नहीं होगा, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। अगर मान लो भारत में संकट आ गया और पाकिस्तान से बोले भाई मदद कर दे, तो भारत में हाँ आ रहे हैं हम तुम्हारी मदद करने, इधर से और कुछ उठा के ले जाएंगे, मजाक के तौर पर, जस्ट फॉर जोकिंग। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोस्त देश आपस में लड़ रहे हैं और वो देश आपस में मदद कर रहे हैं, अगर एक गिर गया ना तो ऐसा नहीं एक लात और मार दो कि और गिर जाए, नहीं, वो उसको उठाने की कोशिश करेंगे, इतना ध्यान रखना। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय बनाया, मैंने बोला ना सामाजिक आर्थिक की बजाय राजनीतिक सांस्कृतिक और सुरक्षा के मामले भी उठाने लगे, ठीक है।
आसियान के सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक तीन स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए गए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है, क्योंकि यूरोपीय संघ में भी यही कदम उठाए गए। नक्शे में आसियान के सदस्य देशों को पहचानना, नक्शे में आसियान के सचिवालय को दिखाएं, ये अपन समझ गए। अब देखो ये क्या बोल रही है, क्या भारत दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा नहीं है? भारत के पूर्वोत्तरी राज्य आसियान देशों के इतने निकट हैं, ये बोला भारत तो भैया बिल्कुल पास में है आसियान के देशों के पास में, फिर भारत उसका सदस्य क्यों नहीं है? अरे नहीं है क्योंकि हम घुटने के पीछे में थे, जब एक आंदोलन से अपन जुड़ गए तो दूसरे में क्यों जाएं? बाद में जुड़ गए जब अपन को लगा, क्योंकि हम भी सक्षम हो गए कि हाँ दुनिया के लिए मदद कर सकते हैं, तब। पूर्वी एशिया के देश और ये आसियान का एक फोरम है, संगठन है, उसके बारे में समझो। अच्छा, हमारा देश 1991 में आर्थिक संकट से गुजर रहा था। हमारे इतिहास में सबसे दुख भरा पल 1991 का था, जब लगभग हम बैंकरप्ट हो गए थे, आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी। उस समय हमने दूसरे देशों से मदद ली, इसलिए हमने LPG को अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजी संपत्ति को हमने अपनाया। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बोले लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि हमें ईस्ट की साइड देखना है, लुक ईस्ट, और ईस्ट यानी आसियान की तरफ देखना है। तो मोदी जी बोले देखना ही नहीं, वहाँ जा कर के फोटो भी खिंचवाना है, ठीक है। और देखो आसियान के जितने दिख रहे हैं ना, उनमें बीच में सुपर स्टार फ्रॉम इंडिया, समझ गए ना, बोला लाइन यहीं से शुरू होगी दोनों साइड की। अरे नहीं है, बुक पुरानी नहीं है। अच्छा बुक जो आप सब्जेक्ट की बात चैप्टर की, बच्चे चैप्टर पुराना है, लेकिन जो बात चल रही है वो 2018 की है। देखो 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली, अरे अपने घर में ही बात है, नई दिल्ली में भारत में आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए डाक टिकट जारी करते हुए आसियान नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री मोदी, सॉरी मोदी जी आप ब्लर आ रहे हो। तो इस बात से क्या समझ में आती है कि बाद में भारत भी इसका सदस्य बना। हम बहुत सारे पैसे यहाँ डोनेट करते हैं, बोलते भाई है तुम्हारा, टेंशन मत लो, कर सकते हैं, आज कम नहीं है अपना देश, गर्व होता है हमारे देश कभी कभी, हम ऐसा ही होना चाहिए। देखो सदस्य मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया, किसने? हमने। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। मुक्त व्यापार समझ रहे हो, हमारे देश से तुम्हारे देश में कोई सामान जाएगा तो टैक्स नहीं लगेगा, तुम रोकेगे भी नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं इंडिया का सामान इधर नहीं आएगा, भैया आएगा। ये कब साइन हुआ? 2010 में। इतने में बस इतना ही हमें समझ में ये आता है कि आसियान बन चुका है, और आसियान बन गया है, आसियान के मुख्य पिलर क्या है वो देखो। एक तो यही है कि हम सब कैसे रहे, सुरक्षात्मक, आपसी सुरक्षा, दूसरा सांस्कृतिक विकास करना है हमें, ठीक है, और तीसरा सामाजिक प्लस आर्थिक विकास पर ध्यान देना है। ये तीन इसके पिलर हैं, तीन इसके स्तंभ हैं, जिसके आधार पर आसियान की शैली चलती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल अपन समझेंगे चीन की अर्थव्यवस्था का कैसे उदय हुआ, समझे, फिर आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है। सो प्लीज़ कल पढ़ के आना, आज मैंने बताया आसियान क्या है और